famous, what they call me. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार ही सुमित। और एक काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहा था, क्योंकि देखिए ट्राइबर जो कार है उसको लेने के पीछे जो लोगों का मेन मकसद, वो जो उसकी यूएसपी मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो है 5+2, मतलब जो 7 सीटर कार है, यही मेन रीज़न है कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और साथ में इसका प्राइस तक तो ठीक है, हर कोई जस्टिफाई कर सकता है, लेकिन जो लास्ट की दो सीट्स हैं, जो लास्ट की दो एक्सटेंशन इसमें दिया है सीट्स का और ऑप्शन दिया है, वो कितना कहाँ तक यूज़फुल है, या बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपका गो प्लस में दिया जाता था, यानी बिल्कुल एक गिमिक, एक मजाक। तो यही मुझसे बताया गया, वैसे देखने में सीट लगती है काफ़ी, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली उसे बैठ के नहीं दिखाया जाता, तब तक वो जस्टिफाई नहीं हो पाता कि एक्चुअल में क्या सिटिंग कम्फर्ट है, अंडर थाई सपोर्ट है, और क्या सीट की हाइट है। तो आज मैं आपको इसमें देख रहे हैं, RXL है मेरी, उसमें मैं आपको सारी सीट्स को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, मेरी हाइट जो है 5'5" है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक एवरेज आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितना गैप रह रहा है। तो मैं अपनी हाइट के हिसाब से तीनों रोज को सेट करके दिखाऊंगा, और फिर पहले आगे की सेट करूंगा, फिर मिडिल की, फिर उसके बाद लास्ट रो में दिखाऊंगा कितना स्पेस रहता है। तो चलिए अंदर चलते हैं गाड़ी के। सबसे पहले हम चलते हैं आगे को ड्राइवर, मैं एक्चुअली ड्राइवर साइड से नहीं दिखा रहा हूँ आपको, को ड्राइवर साइड से ही अंदाज़ा दिखाऊंगा। इस समय ये जो आगे की सीट है काफ़ी पीछे हो रखी है, और अब आपको अंदाज़ा दिख रहा होगा पूरा, अभी भी थोड़ी पीछे है, इसको मैं थोड़ी सी और, हाँ अब बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख रहे होंगे बिल्कुल परफेक्ट है। आगे की सीटिंग मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है, ये देखिए अभी भी काफ़ी स्पेस बच रहा है, आगे काफ़ी स्पेस है, और अंडर थाई सपोर्ट आप देख रहे हैं काफ़ी है। अब चलता हूँ मैं पीछे की तरफ, इसी के अकॉर्डिंग मैं करूँगा, ये देखिए अभी इसके हिसाब से। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, जो बैक रेस्ट है मैं बैक रेस्ट को भी एडजस्ट करता हूँ। बैक रेस्ट मैंने ज़्यादा ही इंक्लाइंड पोजीशन में सेट कर दिया है, जैसे लॉन्ग रूट में हम कर लेते हैं अक्सर, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए ये है पोस्चर इस समय सीट का, ये देखिए बिना कट किए मैं कर रहा हूँ इस समय, आप देखिए ये है ड्राइविंग पोस्चर पर, और ये है थोड़ा जो लीन हो जाता है बैक को, वो पोस्चर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा आगे की दोनों सीट्स में। इधर से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए वो वाली सीट थोड़ी आगे ड्राइवर साइड, और ये थोड़ी पीछे है, तो मैं स्ट्रेट भी नहीं रख रहा जैसे हाईवे में हम करते हैं, वैसे सीट रख रहा हूँ। उसके बाद आता हूँ मैं मिडिल रो पे, मिडिल रो में अभी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा स्पेस है, इसको अभी मैं यहाँ से आगे करूँगा, स्लाइड करूँगा, ये थोड़ा गंदा हो रहा है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ये देखिए अभी मेरे स्पेस देखिए कितना स्पेस है, तो मैं इसको सीट को थोड़ी सी आगे कर, हाँ अब ठीक है, ये देखिए इतनी स्पेस है अभी, काफ़ी है नीचे, क्योंकि सीट की हाइट काफ़ी है, तो मेरे पैर भी नीचे जा रहे हैं, ये देखिए पैर भी नीचे जा रहे हैं पूरे, कोई इशू नहीं है मुझे इस समय बैठने में। और जो इसको जैसे मैंने दूसरी सीट करी थी आगे वाली, मैंने इसका जो इंक्लाइन है वो भी मैंने ऐसे कर दिया है, और ये देखिए ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा पीछे की पोजीशन है, और ये मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी है। अब आती है बारी पीछे की, ये आप देखिए पीछे, तो मैं इसे करना कैसे, इसे यहाँ से टंबल जैसे मोस्टली कार्स में होता है, हाँ ये ध्यान रखना है हमें। ये देखिए मैं बिना कट के कर रहा हूँ, तभी आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये हमने कर दिया टंबल हो चुकी है, और इसको बॉटल को मैं रख देता हूँ यहाँ। अब मैं बैठता हूँ पीछे, अब मैं पीछे बैठा हूँ, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे उठा के, हाँ
अब आप देखिए, जितना मेरे को मिडिल रो में स्पेस था उससे बहुत ज़्यादा है ये देखिए। और अभी इसीलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा ये इंक्लाइन, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ कि बीच वाले को भी काफ़ी आराम रहे। अब यह आई कहानी, मैं लास्ट रो में हूँ और अगर मेरी अंडर थाई सपोर्ट की आप बात करेंगे तो ये देखिए, मैं बिना कट के कर रहा हूँ ये, तो थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा। अंडर थाई सपोर्ट ओके है, कोई इशू नहीं है इस समय। और ये देखिए, मेरी जो लेग है यहाँ तक आ रही है और मुझे सपोर्ट यहाँ तक मिल रहा है। तो देखिए आप, कोई इशू नहीं है, मैं आराम से, इसके नीचे पैर जा रहा है मेरा ये देखिए रेस्ट करने के लिए। और मेरे बाद जो इसका हाफ वे है वो ये है और मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, मतलब अभी इतने ही स्पेस इधर बचा है। ये देखिए, मेरा पूरा हाथ जा रहा है ये, मैं इस समय सीधा बैठा हूँ। और कंफर्ट के लिए ये हेडरेस्ट, ये देखिए ये हेडरेस्ट है यहाँ पर, जिससे मुझे यहाँ पर नेक में कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई इशू ना हो, मुझे कोई थकान ना लगे। ये मेरा पोस्चर रहेगा। तो जैसा सेम पोस्चर आपको यहाँ पर दिखा था, अब मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। यही मैं इसको स्लाइड आगे नहीं करूँगा, ये देखिए मैं इसको आगे नहीं करूँगा, बिना कट के कर रहा हूँ मैं ये सब। ये आगे जा चुकी है, अभी ये, क्योंकि यहाँ पर लॉक होता है, इसे थोड़ा सा जैसे मैंने पीछे करना था ये मैंने पीछे कर दिया अभी, ये देखिए। और बिना कट किए मैं कर रहा हूँ, इससे आपको पूरा अंदाज़ा मिले। ये है, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा हेडरेस्ट को ऊपर कर लिया। तो ये देखिए, ये मेरा इस समय पोस्चर बन चुका है लंबी राइड के लिए। जो मेरी बैक है वो थोड़ी सी मैंने पीछे की तरफ टिल्ट कर रखी है और मेरा हेडरेस्ट यहाँ पर आ चुका है। तो ये मेरी हाईवे की मिडिल रो की पोजीशन हुई। और सेम मैंने आपको दोबारा दिखाता हूँ, सेम मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये सेम मेरी ये पोजीशन हुई यहाँ पर, पैर आराम से रखे हुए मेरे, और ये रही मेरी हेडरेस्ट यहाँ पर, और बैक जो है वो थोड़ी सी इंक्लाइन करके, ये है पोजीशन। तो आप ये समझ रहे हैं इस समय कि कितना इजीली मैं इसमें बैठ रहा हूँ। मैंने तीनों आपको जगहें दिखाई हैं। अब मुझे एक्चुअली कट करना पड़ेगा, कैमरा स्विच कर लेता हूँ मैं। तो आपने देखा, मैंने बिना कट किए आपको जो शेक ही लग रहा होगा या इधर उधर कैमरा हिलता हुआ लग रहा होगा, बैड कैमरा वर्क लग रहा होगा, तो मैं इसीलिए ये चाहता था कि कहीं कट ना हो। और एक भी कट नहीं आया उस पूरी पूरे शॉट में। आगे की सीट बिल्कुल ओके है, आप देख लीजिए, आपको खुद फील हो रहा होगा काफ़ी स्पेस है। हालांकि हाइट जो है मेरी 5'5" है, 5 फीट 5 इंचज़, लोगों को लगेगा कि कम है, लेकिन आप ये देखिए कि कितना बढ़ेगा। अगर इससे जितना ज़्यादा मार्जिन आ रहा है अभी, अगर लोगों की हाइट 5'7" या 5'8" भी होगी और वो मिडिल रो और लास्ट रो में भी बैठेंगे तो किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा। इसी तरह से आप इस वाली सीट को भी आगे कर सकते हैं, आगे की तरफ, ये देखिए मैंने ये सीट भी आगे कर दी है और ये इसके लेवल में आ चुकी है। अब ये इसके बाद जो बैक रेस्ट है इसे भी हम पीछे कर देंगे, तो तीनों पोजीशन, जो तीनों सीट्स हैं वो हमारी हाईवे राइड के लिए इंक्लाइन में। हाईवे राइड बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमारी लोकल में अगर कम्यूट करते हैं तो उसमें हम किसी भी तरह एडजस्ट कर सकते हैं अगर स्पेस कम है, लेकिन हाईवे पे जब लॉन्ग रन हम करते हैं तो उस समय हमें काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा पोस्चर चाहिए होता है इसमें हमें कंफर्ट मिले और नींद आए। तो ये सारे मैंने आपको पोजीशंस दिखाई हैं। अगर आपको ये समझ आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिए सब्सक्राइब करके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, जय हिंद। That you never be lonely.